किसने बोला था यहाँ से बाहर जाने के लिए? वर्दी में कोई दिक्कत होगी? यहाँ पे मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी भाई, कौन है यहाँ पे? मोबाइल तो नहीं, सब लोगों को जितने पूछने लगे सबको मैं धोखा दूंगी मैं। आप कहाँ पे हो? जान लीजिए इस बात को, मोबाइल कहाँ पे हो? तमाशा मत करिए, सारे एजेंट यहीं पे बने रहे, ठीक है, यहीं बने रहना भाई। आप आराम से इसके नीचे आ जाओ शामियाने के। यह है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की तस्वीरें, जहां स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ। लेकिन इस दौरान मतदान केंद्र पर पहुंच गई निरीक्षण के लिए डीएम मैडम, और डीएम मैडम आते ही भड़क गई। अब भड़क क्यों उठी ये समझ लीजिए। दरअसल डीएम दिव्या मित्तल करनी भावा स्कूल में बने मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र के अंदर पोलिंग एजेंट्स को बैठे हुए देखा, जिसके चलते उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ये देखकर डीएम ने पूछा कि बूथ के अंदर बैठने की इन्हें परमिशन आखिर किसने दी? किसने बोला था यहाँ से बाहर जाने के लिए? वर्दी में कोई दिक्कत होगी? यहाँ पे मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी भाई, कौन है यहाँ पे? मोबाइल तो नहीं, सब लोगों को जितने पूछने लगे सबको मैं धोखा दूंगी मैं। आप कहाँ पे हो? जान लीजिए इस बात को, आप कहाँ पे हो? तमाशा मत करिए, सारे एजेंट यहीं पे बने रहे, ठीक है, यहीं बने रहना भाई। आप आराम से इसके नीचे आ जाओ शामियाने के। दरअसल बूथ के अंदर सिर्फ वही बैठ सकते हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने अधिकृत किया है। सवाल पूछने पर डीएम को सही जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने डांट लगाते हुए एजेंट्स को बूथ के बाहर बैठकर मतदाताओं की पहचान करने का आदेश दिया। फिर आदेश पर बाद में पोलिंग एजेंट्स के लिए बाहर बैठने का इंतजाम किया। भाई आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपसे कोई नहीं कुछ कह रहा, मैं डीएम हूँ। नहीं मैं कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं बोला आपको, तो हमने कुछ कहा नहीं, बस आप रहने दीजिए, ये यही रहेंगे, ठीक है, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज यानी बुधवार को मतदान हुआ। बता दें कि 96 सीट भाजपा के सहयोगी अपना दल के विधायक राहुल कोल के निधन की वजह से खाली हुई। अब तमाम आरोप सपा की तरफ से भी लग रहे हैं। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर के 96 विधानसभा सीट पर लगातार मतदान तो हुआ, लेकिन एक तरफ जहां प्रशासन की ओर से चुनाव फेयर करवाने की बात कही गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि मतदान केंद्रों पर वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है।